गुरुवार की सुबह विशाखापट्टनम से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने 36 साल पुराने जो जख्म थे उसे कुरेदने का काम किया। सुबह सुबह खबर आई कि विशाखापट्टनम में एक प्लांट से गैस का रिसाव हुआ है। हालांकि खबर सुबह आई लेकिन इसकी शुरुआत रात को हुई हो गई थी। रात के करीब 2:30 बजे थे जब इस प्लांट से जो गैस है उसका रिसाव शुरू हुआ और इसका लोगों को अंदाज़ा तब हुआ जब उन्हें सांस लेने में दिक्कतें शुरू हुई और साथ ही साथ हाथों पर खुजली जैसी महसूस होने लगी। अब सवाल कि आखिर कहां पर हुआ ये गैस रिसाव। दरअसल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री बंद थी क्योंकि 1.5 महीने से तकरीबन लॉकडाउन का जो दौर है वो चल रहा था और अब जाकर सरकारों ने धीरे धीरे इन प्लांट्स को खोलने की इजाज़त दी थी। ये प्लांट भी अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा था और इसी दौरान वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ। एलजी पॉलीमर नाम के प्लांट में ये काम चल रहा था तभी वहाँ पर गैस रिसाव हुआ। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड, कप, कॉस्मेटिक ऐसे कई तरह की चीज़ों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम हुआ करता था। रॉ मटेरियल के तौर पर प्लांट में स्ट्रीन का इस्तेमाल होता था और ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है और आग लगने के बाद सबसे जो घातक परिणाम होता है वो है इससे निकलने वाला गैस जो कि लोगों के शरीर में कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल कि आखिर ये स्टरीन गैस कितना खतरनाक है। अगर कम समय के लिए इस गैस का रिसाव होता है तो आंखों में जलन जो है वो ज़रूर होती है। इसके अलावा सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, हाथों पर लाल चकते होते हैं जिससे खुजली भी कई तरह से महसूस होती है। लोग कई तरह से इसके शिकार होते हैं। इसका एक बहुत बुरा असर है वो है इंसानों के नर्वस सिस्टम पर। अगर कोई इस स्टरीन गैस के चपेट में आता है और उसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं जिससे कि सांस लेने में ऑटोमेटिकली तकलीफ भी होती है और जान तक जा सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ता है और साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें सांस लेने की तकलीफ पहले से हो या फिर उन्हें कोई इसी तरह की बीमारी हो उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब सवाल कि आखिर इस गैस का असर कितनी दूर तक फैला। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी कि स्टरीन गैस का रिसाव उस प्लांट से हुआ है, प्रशासन ने देरी ना की और आसपास के 5 गांव को फौरन खाली कराने का फैसला लिया गया। जितने लोग थे वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया गया क्योंकि इस गैस का असर जो है जहाँ पर ये प्लांट था वहाँ से जो निकला ये गैस था 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये अपना असर फैला सकता। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टायरीन गैस लीकेज की घटना है जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आईं। आज से करीब 36 साल पहले भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था उसका जो खौफनाक मंजर था वो लोगों के सामने इस विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव के बाद सामने आने लगा। भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था उसका असर बहुत गहरा था। तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों की मौत वहां हुई थी। जो लोग रातों को सो रहे थे वो सुबह की सूरज को नहीं देख पाए। तकरीबन 8 किलोमीटर के रेंज में वो गैस फैला था और लोगों की भारी संख्या में मौतें हुई थी। अब भी उसके परिणाम देखे जा सकते हैं क्योंकि कई जगह ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें शारीरिक कुछ समस्याएँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं क्योंकि जो आज से 36 साल पहले गैस रिसाव हुआ था उसका कहीं ना कहीं बॉडी के ज़रिए असर फैला और इसीलिए बच्चों में कई तरह की शारीरिक अक्षमता भी देखी जाती है। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम की क्योंकि कई लोग इसे भोपाल गैस से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी और जो विशाखापट्टनम में गैस लीकेज हुआ है इनमें थोड़ी राहत की बात ये है कि ये जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर जो फैलने वाला एरिया है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का है लेकिन भोपाल में तकरीबन 8 किलोमीटर के एरिया में फैला था और मौत का आंकड़ा जो भोपाल में था वो 10 से 15 हज़ार का था। सिमिलैरिटी एक है कि वहाँ भी रात के अंधेरे में गैस का रिसाव हुआ था और यहाँ भी रात के अंधेरे में गैस का रिसाव हुआ। लोगों को वक्त नहीं मिला कि वो बचे क्योंकि लोग जो रात को सोए थे वो सुबह की रोशनी देख ही नहीं सके। तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर लेस बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये बॉडी से मेटाबोलाइज होकर जल्दी निकल जाता है। This is an acute exposure rather than a chronic exposure.
बट वी विल हैव टू फॉलो अप एंड सी, बट एज ऑफ नाउ द डेटा डजंट सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो जो गैस रिसाव हुआ है वो स्टेरीन गैस है, लेकिन भोपाल में जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था जो कि ज़्यादा खतरनाक था। यही वजह थी कि वहाँ पर 10 से 15 हज़ार लोगों की मौतें हुई और उसके असर आज भी देखे जा रहे हैं।